ये बर्फ वगैरह बेच रहा है। ये देखें बर्फ बेचने का अंदाज। ये जी जूस पी रहे हैं और ये ट्रैक खरबूजे का, ये देखें ये डाल रहे हैं। बिल्कुल सस्ता है जी, 500 रुपए का मतलब एक गिलास दिया इसने। इंशाल्लाह नजफ सिटी की तरफ हमारा सफर है, रस्ते के अंदर जो जो ज़ियारत आएंगी वो भी हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। दोस्तों बगदाद शहर के अंदर हम इस टाइम मौजूद हैं, जो इराक का कैपिटल है। इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाई आपको, आपने देखी। और अब हम यहाँ से अपने रूम से जा रहे हैं, अपने होटल को छोड़ के नीचे खाना खाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी इस जर्नी को देखें कि किस तरह हम करते हैं और क्या क्या होता है हमारे साथ। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। खाना हो गया, फिनिश, हम हो गए लेट, सब चल रही है पैकिंग। अच्छा जी, चेकआउट कर लिया हमने, हम होटल से चल रहे हैं बाहर। अब हम चल रहे हैं अपनी बस की जानिब। ये सामने है जी इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम का रोज़ा। उसके बाद आप जा रहे हैं सीधा नजफ शहर की जानिब और सफ़र करते हैं अपनी बस के ऊपर। और रास्ते के अंदर जो जो ज़ियारत आएंगी वो हम करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलती हैं, और इनको लेते हुए आप सीधा इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब जा सकते हैं, वरना आपको थोड़ी सी वॉक करनी पड़ती है। आपको टैक्सी वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, और टैक्सी इनकी ये सामने येलो वाली जो है वो बड़ी VIP है। ये देखो ये बर्फ़ वगैरह बेच रहा है, ये देखें बर्फ़ बेचने का अंदाज। ये जी एक बस हमारी ये है। मौलाना साहब आप आ गए, चलो बेहतरीन हो गया है इंशाल्लाह। अब सफ़र है हमारा यहाँ से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादी हैं सैयदा शरीफा। अच्छा सैयदा शरीफा है, अभी हम रोज़े पे जाएंगे। हाँ, जो बड़ी साहिब अजमत खातून हैं, जहाँ से बहुत मरीज़ों को शफा मिलती है। जब आप जाएँगे इंशाल्लाह देखेंगे, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कितने हज़ारों की तादाद में शुक्रिया के बैनर लगे हुए हैं कि जिन जिनको शफा मिली है इनके इनके हरम से। और दूसरी वो है बस, तो उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ ये खरबूजे का जूस बनाया जा रहा है। अच्छा ले ले ले, ये जी जूस पी रहे हैं और ये ट्रैक खरबूजे का, ये देखें ये डाल रहे पाकिस्तान में तो नहीं मिलता खरबूजे का जूस। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बिल्कुल ओरिजिनल नेचुरल। अरे हाजी है, कितने का दिया? नहीं 5000 दिया ना आपको, वापस 2500 दिया, 3500 दिया ना, 500 रुपए का जूस। बिल्कुल सस्ता है जी, 500 रुपए का मतलब एक गिलास दिया इसने, और बेहतरीन था, टेस्ट भी क्या अच्छा था। ये है जी बस, बस पे हम बैठ गए। ये ड्राइवर अली इराकी, ज़ाहिरीन सब आ चुके हैं और हमारी जगह बिल्कुल नहीं है। इमरान भाई ज़्यारत ठीक रही? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, शुक्र खुदा, बहुत अच्छी ज़्यारत रही, बहुत अच्छा सफ़र रहा। बस नींद पूरी नहीं हुई हमारी अभी तक, और ज़्यारत बहुत अच्छी रही है। चलो ज़्यारत पूरी हो जाए, नींद तो घर जाके पूरी करेगी। ये भी है, नींद घर जाके पूरी कर, हाँ घर जाके पूरी करिएगा। चलो ये सारे मोमिन हमारे आ चुके हैं। अच्छा जी, अभी तक बगदाद से
सिटी चल रहा है इनका दारुल हुकूमत, माशाल्लाह से बहुत बड़ा सिटी है। और मतलब निकलते निकलते बड़ा टाइम हो गया टीसी के अंदर, अभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं। ये जी इराक के अंदर आपको इस तरह के खजूरों के बहुत से दरख्त देखने को मिलेंगे। इस तरह की रेलवे ट्रैक आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इराक के अंदर रेलगाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। इराक के अंदर जंग के बाइस रेलगाड़ी का हाल बेहाल हो गया। इराक के अंदर जगह जगह पर मुख्तलिफ कबाड़ आपको देखने को मिलता है। इराक के अंदर अक्सरियत चीजें दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती हैं। इराक के अंदर रोड्स भी आपको इतने खूबसूरत और अच्छे देखने को नहीं मिलते। जगह जगह पर आपको रोड्स के ऊपर गढ़े नजर आते हैं। बस इराक के अंदर आपको खजूर की बहुत ही ज्यादा पैदावार नजर आएगी, और तो और घरों के अंदर भी लोगों ने खजूर के दरख्त उगाए हुए होते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हिला सिटी के साथ एक विलेज के अंदर। यहाँ पर एक रोजा है जो आपको आगे चल के दिखाते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं जनाब? खैरियत से सफर हो गया आपका? खैरियत है खान साहब, आगे हो खैरियत? ड्राइवर थोड़ा स्लो है यार, बहुत स्लो गाड़ी चला इसको है। कहते हैं जरा तेज चलाए आप बोलो इसको। दोस्तों बीबी शरीफा के रोजे के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह आगे और आपको दिखाती हैं अंदर के मनाज़िर। ये जी इस तरह की गैरली है जिससे गुजर के जाना पड़ता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी। इराक पूरे के अंदर आपको अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलती है गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर मौसम कुछ बेहतर होता है। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, चल के फिर रोजे के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। और हमारा काफला आगे आगे और चल रहा है। बहुत बड़ा एक सहन आ गया, और सहन के ऊपर ये है सामने बीबी शरीफा का रोज़ा। बीबी शरीफा के रोज़े को तामीर किया जा रहा है, अभी बनाया जा रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है थोड़ा बहुत। मतलब पुराना रोज़े को अब न्यू किया जा रहा है। अच्छा जी, बीबी शरीफा के रोज़े के ऊपर पहुंच चुके हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, और यहाँ पर मांगी गई हर दुआ पूरी होती है, और यहाँ पर मरीज़ों के लिए शफा मिलती है। मतलब इस तरह की मन्नतें जो मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बैनर वगैरह लगे हुए होते हैं रोडों के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ होता है शुक्रिया बीबी तेरी दरबार में आए, अल्लाह से फरियाद की और वो हमारी मन्नत पूरी हो गई है। तो शुक्रिया बीबी के बैनर लगे हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा धूप थी, वहाँ से पैदल हम आए, जूते वहाँ पे रख दिए, लेकिन धूप की वजह से चला नहीं जा रहा था। फिर दोबारा से जूते पहने, हमने कहा जरी के नज़दीक ही जाके हम जूते उतारेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा धूप है जिसकी वजह से चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। हाँ क्या हुआ? हाथ में नहीं क्या? उन्होंने कहा जूते हाथ में लो, बाहर नहीं उतारो, और यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, उन बॉक्स के अंदर रख दें। ये बॉक्स के अंदर हमने रख दिया। और यहाँ पर इराकी लोगों की बहुत बड़ी तादाद आती है, क्योंकि जिसकी बीमारी का या किसी का कोई प्रॉब्लम हो इलाजी हवाले से, तो फिर वो यहाँ पे जो मन्नत मांगता है उसी वक्त पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह, कहें ऐसी जरिए आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। ये जी पहुँच गए हैं बीबी शरीफा के रोजे के ऊपर, सुभान अल्लाह। खैरियत से बीबी शरीफा के रोजे की जरी की जियारत कर ली है, अब चलते हैं हम अपनी बस के ऊपर बैठ के।
जी बीबी का बहुत बड़ा रोज़ा है जो अभी ज़ेर तामीर भी हो रहा है, कुछ एरिया तामीर पहले से है पड़ा और बहुत बड़ा रकबा है जी। इस तरह की रेड़ियाँ आपको मिलती हैं जिनके ऊपर आप सफ़र कर सकते हैं, किस्म की ये आपको बिठाएंगे अपने साथ और ले जाएंगे। हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर नियाज कर रहे हैं जी। इसमें अच्छा कौन सा है? ज़ाफ़रान वाला मेरे को ये अच्छा लग रहा है। ज़ाफ़रान वाला है ना? नहीं नहीं वही वही जो आपको अच्छा लग रहा है वही ज़ाफ़रान। वैसे और वैसे ज़ाफ़रान आगा ज़ाफ़रान फॉर्चून की दुकान कह रहे हैं आप या खाने पीने की दुकान छोटी मोटी यहाँ पे? और अच्छा जी 500 रुपए का ये जूस का गिलास देते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर खैरियत से ज़ायरीन हमारे बैठ रहे हैं और यहाँ पर खजूरों के बहुत सारे दरख्त हैं। ये देखें जी खजूर दरख्तों के ऊपर अपना लगी हुई भी है। पानी उठा रहा है मोमिन। खैरियत से सब मोमिन आ चुके हैं, जवार सब पहुंच चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तकसीम की जा रही है और चावल भी दिए ज़ायरीन को, सब ज़ायरीन को चावल भी पहुंचा दिए। जिसने स्प्राइट लेनी है वो स्प्राइट भी ले सकता है भाई। और माशाल्लाह से भाई के चावल ये भी है। सब ज़ायरीन जो है ना मुझे बोटियां भी दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी बीबी शरीफा की रोजे की जरे की ज्यारत करने के बाद खैरियत से हम नजफ शहर की जानेब रवा दवा है। हमारे काफले ने खाना भी खा लिया, अब नजफ शहर की जानेब चल रहे हैं रस्ते के अंदर। देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो से आपको जो है ना इंशाल्लाह बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।